कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। मैंने आज अपनी बहुत ही प्यारी सी बेटी के साथ आप सबको वेलकम किया है अपने व्लॉग में। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग उम्रा पर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कल उम्रा पर गए थे। ताइफ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। बीच में गर्मी हो गई थी बहुत थोड़े से दिन के लिए, गर्मी नहीं थी बस वेदर अच्छा था। ये है कि मुझे थोड़ी बहुत गर्मी लग जाती थी तो मैंने एक या दो दफ़ा ही एसी को ऑन किया था। अब इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि जो टेम्परेचर है वो 10 हो गया है। और मक्का में भी आज वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश हो रही थी और बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं। और बस अब हम मक्का पहुंच गए थे। ये मेरा बहुत ही प्यारा सा बेटू, मेरी जान, इसने देखिए अपने आप को कैसे रेडी किया हुआ है। ये अपना इसने जो बैकपैक है ये इसने खुद से रेडी किया हुआ है। बस अब हम बस के लिए जा रहे थे। कार पार्किंग के कोई पैसे नहीं है, मगर ये जो बस से हम जाएंगे हरम तक उसके इन लोगों ने 36 रियाल्स लिए हैं हम दोनों के, बच्चों के नहीं। और हमें दो बसेस बदलनी है, मगर जो उन्होंने हमें टिकट इशू किया है वो यहीं से कर दिया है। इसका मतलब है हम दूसरी बस में भी बैठ सकते हैं। और बस ये हमारी पहली बस थी रमदान में। ये जो बस सर्विसेज होती हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी ये रमदान में ही होती हैं, क्योंकि बाहर सिटी से आने वाले लोगों को कार अलाउ नहीं होती है सिटी के अंदर, मक्का के अंदर। तो वो जब कोई ज़ाहिर है क्यों आता है, वो इसी वजह से आता है, हरम के लिए आता है, अहराम पहना होता है। तो इन लोगों ने स्टार्ट से ही जिन्होंने अहराम पहना होता है वो इसी पार्किंग में वो लोग भेज देते हैं, और जिन्होंने अहराम नहीं पहना होता है वो कोई भी और इशू के लिए आया होता है मक्का में तो उसको जाने देते हैं। तो बस यही था कि हमने बस में जाना था। अब ये दूसरा स्टेशन था, बस अब हम इधर आ गए थे। इधर से फिर हमने एक और बस ली थी। मेरा जो बेटू था वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसको बस में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वो बहुत ज़्यादा खुश था। और ये था कि हम उसको सिखाते भी हैं ना, तो उसको यही था कि हम अल्लाह पाक के घर जाएंगे। और वैसे भी जब वो अल्लाह पाक के घर जाता है तो बहुत सी चीज़ें लेकर आ रहा होता है। आई मीन लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं चीज़ें, कुछ भी, तो उसको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारी दूसरी बस थी और मेरा बेटू मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा था यहाँ पर। बस अब हम पहुँच गए थे हरम में। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। ऐसा था कि हम सुबह 11 बजे उठे थे, 12:30 पर हम घर से निकल गए थे, और 45 मिनट्स की ड्राइव है थाइफ से मक्का। हम बिल्कुल 45 मिनट्स में पहुँच गए थे मक्का। और उसके बाद जब हम हरम आए तो ये इतना ज़्यादा हमने रश देखा, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इन लोगों ने इतने सीधे सीधे से रास्ते इन लोगों ने इतने घुमा कर दिए थे क्राउड की वजह से कि बस इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। इतना ज़्यादा घूम कर हमें फर्स्ट फ्लोर पर आना पड़ा। ज़ाहिर है इनको मैनेज करना होता है, क्राउड बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से पहले हम फर्स्ट फ्लोर पर गए और आगे सारे रास्ते बंद किए हुए थे, मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे खाना खाबा के साथ तवाफ़ करने थे, तो बस इसकी वजह से मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने फिर मान से
कहा कि नहीं हम नीचे जाएंगे। हमने नमाज ऊपर ही असर की पढ़ी और फिर हमने लोगों से पूछ कर बहुत मुश्किलों से हम नीचे तक आए, और जैसे ही हम आए वैसे ही आना सबका बंद कर दिया, नीचे सब कुछ बंद कर दिया, अब कोई यहाँ पर नहीं आ सकता था काफ़ी देर के लिए। और ये असर से मगरब का टाइम था जब हमने रोज़े में माशा अल्लाह तवाफ़ किया। शुरू के जो तीन से चार राउंड थे उसमें तो मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फेंट हो जाऊंगी और मैं वाकई ही गिरने वाली थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा रोज़ा टूट जाएगा क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। वीडियो में तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, जो वहाँ पर हाल था पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रश था, क्यों वीडियो में नहीं समझ में आ रहा। जो सामने से हम देखते हैं उस तरीके से तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा रश था। मेरी बेटी इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी, सांस नहीं आ रही थी, इतने लोग थे कि बिल्कुल हम एक दूसरे से चिपके हुए हुए थे और बहुत बहुत ज़्यादा रश था। ज़ाहिर है रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर है माशाअल्लाह, तो हर किसी को होता है, मगर बस क्या बताऊँ कैसा हाल था यहाँ पर। बस फरमान ने फिर फ़ौरन से मुझे चौथे राउंड में बाहर की तरफ निकाला क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मैं बार बार घर की तरफ देखती थी। इस टाइम बस अज़ान होने वाली थी मगरब की और हमें बहुत प्यारी जगह मिल गई थी बैठने की, और हमने फिर रोज़ा इधर ही खोला। पीछे हमारे इफ्तार की चीज़ें तो देख ही ली होंगी माशाअल्लाह। ये जो पैकेट है ये जब हम आते हैं तो हमें मिलता है, मगर हम बहुत ज़्यादा जल्दी आए थे तो हमें नहीं मिला था यहाँ पर। फिर हमें किसी ने लाकर दे दिया था, तो बस हमने फिर बहुत अच्छे से इफ्तार किया यहाँ पर। बहुत से लोग चीज़ें दे रहे होते हैं, अल्लाह पाक के घर से कोई भी खाली पेट नहीं जाता है माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान है। ये है कि बस अब नमाज हो रही थी, मैं जमात के साथ नहीं पढ़ सकती थी सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा की वजह से, क्योंकि वो इधर उधर चली जाती है और बहुत परेशानी हो जाती है। तो फरमान ने पहले जमात के साथ नमाज अदा कर ली थी, फिर मैंने नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से, फिर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं की सब के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम आ गए थे सही के लिए, और आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा सा तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा, ऐसा ही हाल तवाफ़ के टाइम पर भी था। बिल्कुल हम एक दूसरे से चिपके हुए हुए थे और बहुत ज़्यादा लोग थे। देखें यहाँ पर भी ऐसे ही था, और यहाँ पर भी हमने बच्चों को बिल्कुल भी हाथ उनका छोड़ा ही नहीं, और रोज़ा को तो फरमान ने कंधों पर बिठा लिया था। मैं भी उनसे ले लेती थी, मगर यह था कि मेरे बस की बात नहीं थी। बस थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई, और बस सब अपनी इबादतों में लगे हुए हैं, सब अल्लाह पाक को राज़ी करने में लगे हुए हैं माशाअल्लाह।
बहुत अच्छा लगता था बहुत। आज सबसे बेहतरीन हमारा जो दिन था ना वो सबसे खूबसूरत दिन था अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पर अब हमारा जो उम्रा था वो कंप्लीट हो गया था और हम अल्लाह पाक से रुख्सत ले रहे थे। उसके बाद यहाँ पर तरावी हो रही है, अब हम जा रहे थे बाहर की तरफ। अब फरमाने बाल कटवाने थे और हम इस टाइम बहुत ज़्यादा थक गए थे बहुत ज़्यादा। बच्चों के साथ उम्रा करना बहुत मुश्किल काम है और ख़ास तौर पर रमज़ान में। हम सुबह 12:30 बजे से घर से निकले हुए हैं और हम वापस घर 3 बजे गए हैं रात के। हम घर जब पहुँचे तो रात के 3 बज रहे थे। अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि कैसा होगा। यहाँ पर बस हम खाना खा रहे थे और मुझसे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया जा रहा था क्योंकि मेरी पूरी बॉडी दुख रही थी और मेरा जो बेटू था वो बहुत खुश था माशाअल्लाह। उसको बहुत कुछ मिला था और वो बहुत खुश भी था। उसके जहन में ये है कि हम वो अल्लाह पाक के घर आता है तो अल्लाह पाक उसको बहुत सी चीज़ें देते हैं जो लोग दे रहे होते हैं। वो इस वजह से भी खुश होता है क्योंकि हमने ना बहुत सी चीज़ें इसकी इसको अलाउ नहीं है और यहाँ पर वो चीज़ें मिल रही होती हैं जो इसको अलाउ नहीं है, तो बस उसके लिए ये बहुत खुश होता है। हमने फिर जाने माँ से ले ली थी बहुत सारी, मैं बताना नहीं चाहती कि हमने कितनी सारी ली थी। बस अपने बुज़ुर्गों उन तक इसका सवाब पहुँचे, बस हमारी यही था हमारा। और हमने और भी बहुत कुछ लिया था, बस मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया है। बस यही हमारी कोशिश है और इतना मुबारक महीना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुज़ुर्गों को पहुँचाएँ। और अभी कुछ दिनों पहले फरमान के बाबा की बरसी भी गुजरी है तो वो भी थोड़ी सी जहन में थी। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।